विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित विमुक्त घुमक्कड़ दिवस 31 अगस्त 2023 के कार्यक्रम में बंजारा समाज ने कार्यक्रम पर उठाए सवाल। बंजारा समाज के जिला उपाध्यक्ष बोले, समाज को कार्यक्रम में अपमानित करने के लिए बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में सिर्फ लगभग 30 से 35 बालक बालिकाओं के अतिरिक्त समाज के 10 से 15 लोग शामिल हुए थे। जहां जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्थाओं से नाराज होकर बंजारा समाज के पदाधिकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया एवं कार्यक्रम का बहिष्कार करने लगे। टीएस डुडवे जिला संचालक विमुक्त घुमक्कड़ दिवस के कार्यक्रम में नाम मात्र के उपस्थित समाज जनों की उपस्थिति में जैसे तैसे ही खाना पूर्ति कर औपचारिकताएं पूरी करते हुए निपटाया गया है। समाज जनों द्वारा उक्त कार्यक्रम में समाज का अपमान महसूस करते हुए कार्यक्रम का जोरदार बहिष्कार किया। बड़वानी जिले में स्थित संपूर्ण छात्रावासों का निरीक्षण सरकार को स्वयं एक टीम बनाकर डायरेक्ट सरकार के मार्गदर्शन में जमीनी लेवल की हकीकत जानने की आवश्यकता है। अन्यथा चुनावी वर्ष होने के कारण बंजारा समाज में आक्रोश के चलते वर्तमान सरकार को आने वाले चुनाव में भारी नुकसान होने का अंदेशा है। मुख्य अतिथि माननीय जिला संयोजक प्रवास समुदाय मालवा प्रांत बड़वानी जगदीश नायक, चंद पवार, शासकीय समिति सदस्य बड़वानी किशोर राठौर, भाजपा नगर अध्यक्ष वरला सेंधवा, करण पवार, प्रकाश चौहान, दिनेश जाधव, घुमक्कड़ आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। इंदौर संभाग से अमसद मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम तेरसी है दिलवे, जिला रोजगार अधिकारी, साथ में प्रभार पिछड़ा वर्ग सहायक संचालक। सर आज कोई कार्यक्रम हुआ था यहाँ? सर आज विमुक्त दिवस का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था। अच्छा, इस कार्यक्रम के दौरान कुछ व्यवधान भी उत्पन्न हुआ था, कुछ नाराज भी हुए थे सर? सर थोड़ा सा माना संख्या कम को देखते हुए समाज जन थोड़े नाराज हो गए, क्योंकि हमें परसों शाम को ही इस कार्यक्रम रखे जाने की सूचना प्राप्त हुई और कल रक्षाबंधन होने से अवकाश घोषित होने से संपर्क लोगों से फिर भी मोबाइल से सभी को संपर्क करके बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया इस कार्यक्रम में। सर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आदेश देर से मिला, ठीक है, आदेश देर से मिले, पर जो यहाँ अव्यवस्था है साउंड सिस्टम के अंदर जिससे समाज के लोग नाराज हुए सर, तो उसके बारे में आप क्या आपका पक्ष रखेंगे सर? सर साउंड सिस्टम के बारे में सर आपका कहना सही है, थोड़ा साउंड सिस्टम तो ठीक था लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में थोड़ा साउंड नहीं चल रहा था ठीक। कुल मिलाकर सिर्फ वो समाज को गुमराह कर रही है सरकार भी और वो शासन से जुड़े अधिकारी लोग जो अभी यहाँ से संचालन कर रहे हैं डुडवे जी, जिन्होंने समाज को निमंत्रण दिया था। ये 31 अगस्त विमुक्त दिवस मनाया जाता है, इसमें 51 जाति आती है। अब जिले भर में 51 जाति निवासरत है, उसमें से कभी एक एक लोग भी आते थे, 51 लोग आते ना, उन्होंने किसी को सूचना दी, कुछ चुनिंदा लोगों को उन्होंने सूचना दी है, उसके बाद यहाँ पर आए हम लोग, गिनती में 15-20 लोग आए हैं, उसमें कुछ जिले से भी आए हैं, वरिष्ठ भी है, उसमें समाज जन भी है और बच्चे, हॉस्टल के बच्चों को भी बुलाया उन्होंने, बालिका हमको भी बुलाया। पर यहाँ जो व्यवस्था लगाई इतनी अव्यवस्था हुई ना, इनके पास कोई सिस्टम का है कि रूपरेखा भी नहीं, इनके पास कोई डाटा नहीं है समाज को कैसे बुलाना है, कि इस कार्यक्रम को रूपरेखा कैसे क्या देना है, समाज का सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो किस तरह से होना चाहिए कार्यक्रम, समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल शिकायत करेंगे, हम तो मुख्यमंत्री का भी लेटर लिखेंगे, अभी कलेक्टर ऑफिस जाएंगे इसके बाद, और आने वाले समय में हम शासन इससे पे ध्यान नहीं देती है तो हम बड़े लेवल पे धरना भी करेंगे। हमारे अंदर बहुत सारे दुख है, हमारे समाज को पिछले अन्य सरकार ने 75 साल से गुमराह किया है और अभी भी शिवराज सरकार 18 सालों से, उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दे गए घुमंती विभाग को पूरा गठन करके उसको पूरा पूरा विभाग का दर्जा देंगे करके बोलते बोलते 18 साल निकाल दिए, उन्होंने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया, जीरो काम किया है, समाज को वोट बैंक का समझ रखा है पूरी घुमंती समाज पूरे प्रदेश में, हम करीब करीब 90 लाख के आसपास रहते हैं, इस 90 लाख की जो संख्या है इस बार समाज ने मूड बना लिया है, पूरी घुमंती समाज में हमारी एक टीम बन गई समाज की और सभी जगह जाएंगे हम इस चुनाव में इसका परिणाम भुगतने के लिए, सारी सरकार तैयार रहे। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने भी समाज को यूज किया है और इसके बाद शिवराज सरकार ने भी धोखा ही दिया है, अब समाज जाग चुकी है, समाज का युवा जाग चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है, आने वाले समय में इसका परिणाम